नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। पहली खबर है राज्य दिल्ली से। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर मचा घमासान, सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता, कार्यकर्ताओं ने इन जगहों पर किया है जोरदार प्रदर्शन। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता सड़कों पर उतर गए हैं। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जानिए आखिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहां कहां आज फिर प्रदर्शन किया। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि बाढ़ से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार का एक्शन प्लान, 3 मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में मानसून की दस्तक हो चुकी है। बीते शुक्रवार को हुई बारिश से राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए आदेश जारी किए हैं, साथ ही 3 मंत्रियों को बाढ़ नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। आकस्मिक स्थिति से निपटने की कार्य योजना तैयार होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने डीडीसीडी के 3 सदस्यों को बर्खास्त करने को अमान्य करार दिया। योजना मंत्री आतिशी ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए सेवाएं विभाग और एलजी द्वारा दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के 3 नॉन ऑफिशियल सदस्यों को बर्खास्त करने के आदेश को अमान्य करार दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि डीडीसीडी पर निर्णय लेना सेवाएं विभाग या एलजी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ऐसे में ये आदेश अमान्य है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ, सीएम योगी ने घायलों के इलाज की ली जानकारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को बड़ी घटना घटित हुई। भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मच गई, जिससे वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग घायल हो गए। 121 मौतों की पुष्टि प्रशासन द्वारा हुई है। आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल हुए लोगों से बागला संयुक्त चिकित्सालय में भेंट कर उनका कुशल हाल लिया। चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। आगे की खबरों की ओर बढ़ते हुए बता दें कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक और बेल आउट पैकेज लेने की कर ली पूरी तैयारी। जुलाई महीने में ही हो सकता है समझौता। पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $6 बिलियन से अधिक के कर्ज के लिए बातचीत कर रहा है। इस बीच पाकिस्तानी वित्त, राजस्व और बिजली राज्य मंत्री अली परवेज मलिक ने बताया कि कर्ज को लेकर अगले 3 से 4 हफ्तों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं जयनिश मिश्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें हाथरस जनपद के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव रती भानपुर में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक 124 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल हुए लोगों से बागला संयुक्त चिकित्सालय में भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना। चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में जानकारी भी हासिल की। मुख्यमंत्री ने कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में सभी का समुचित उपचार शीर्ष प्राथमिकता पर किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस कठिन वक्त में राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ पीड़ितों और उनके परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने सभी घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें हाथरस जिले के सिकंदरा राव में सत्संग में भगदड़ मच गई। इसमें पैरों से कुचलकर बच्चे, महिलाओं समेत करीब 124 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद सत्संग करके पहुंचे भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि मौके से निकल गए। इसके बाद वो मंगलवार की शाम को ही मैनपुरी आश्रम पहुंच गए। यहां पर अनुयायियों के साथ मौजूद हैं। जानकारी मिलने के बाद रात से ही पुलिस भोले बाबा से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा किसी से नहीं मिल रहे। वो आश्रम के अंदर मौजूद हैं। आश्रम में बड़ी संख्या में अनुयायियों के होने की भी पुलिस को आशंका है। पुलिस ने आश्रम के पास घेरा बना दिया है। दमकल की गाड़ी भी खड़ी की गई है। पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एकदम तैयार है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे वार पलटवार देखने को मिले, जहां सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखे हमले किए। इस बीच कई बार उनका शायराना अंदाज भी दिखाई दिया। वहीं सदन के नेता पीएम मोदी ने भी इसका करारा जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए पीएम मोदी सबसे ज्यादा राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर ही हमलावर दिखाई दिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा, तुलसीदास की चौपाई पढ़ते हुए निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठाई लेना झूठाई देना, झूठाई भोजन झूठ चबेना, यानी कुछ लोग सिर्फ झूठ ही लेते हैं और झूठ ही देते हैं। यही नहीं, वो झूठ का भोजन और उनका चबेना भी झूठा ही होता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें लखनऊ के चौक इलाके में बुधवार सुबह एक छात्रा पर एक युवक ने एसिड फेंक दिया। उसको बचाने के फेर में उसका मौसेरा भाई भी चपेट में आ गया। दोनों झुलस गए। दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी की 22 वर्षीय बेटी बुधवार सुबह 8 बजे लोहिया पार्क के पास मौसेरे भाई के साथ खड़ी थी। इसी बीच एक युवक उसके पास पहुंचा और कुछ बातचीत की। युवक वहां से चला गया और चंद मिनटों बाद वापस लौटकर उस पर एसिड फेंक दिया। जैसे ही एसिड फेंका, उसका भाई आगे आ गया, जिससे उस पर भी एसिड पड़ गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें तकरीबन 50 साल बाद दीवानी कचहरी में एक बार फिर कानून की किताबों में ताक झांक होने लगी है। अधिवक्ताओं के टेबल पर नजर दौड़ाएं तो कानून की दो तरह की किताबें नजर आती हैं, एक नए तो एक पुराने कानून वाली साथ ही नजर आते हैं। इन किताबों पर नजर जमाए अधिवक्ता। मंगलवार को कचहरी में दिन भर नए और पुराने कानून की गूंज ही सुनाई देती रही। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की माने तो 1973 में नए कानून के लागू होने के बाद भी ऐसी ही हालत थी। हर तख्ते पर दो दो किताबें, वारदात को लेकर दो तरह की धाराओं का जिक्र, घटना कब की है, दस्तावेज तैयार करने में पीड़ित से सवाल जवाब। वारदात की जो धाराएं जुबान पर रहती थी, अब उसके लिए कानून के जानकारों को कानून की किताब का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं करनाल से। टहलने निकले क्राइम ब्रांच के एएसआई की गोली मारकर हत्या, दो बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई संजीव कुमार को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात 8:30 बजे दो बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया। गोली की आवाज सुनकर परिवार की महिलाएं बाहर निकली तो संजीव कुमार लहूलुहान होकर सड़क पर गिरे थे। पुलिस घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अगली खबर है फरीदाबाद से। आखिर कुराण के हत्यारे गिरफ्तार, छाती में गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। फरीदाबाद में कुराण हत्याकांड के आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने रविवार देर रात को मस्जिद चौक पर कुराण की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए थे। तभी से पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपितों को पकड़ने में लगी हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो है पंचकुला से। जजपा नए सिरे से भरेगी अपने कार्यकर्ताओं में जोश। 5 जुलाई से हर जिले में करेगी सम्मेलन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी जननायक जनता पार्टी 5 जुलाई से हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। एक दिन में दो दो जिलों के कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। इन कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से भाजपा ने जहां संगठन का नए सिरे से गठन करने का निर्णय लिया है, वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूत दावेदारों की खोज भी इन्हीं सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी करेगी। अगली खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम सोना एलिवेटेड रोड का वही हिस्सा फिर धसा जिसकी मरम्मत में लगे थे 3 महीने। लापरवाही का आखिर जिम्मेदार है कौन? सोना एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा 8 महीने के भीतर फिर से धसने के कारण मंगलवार दोपहर को छात्रों को ले जा रही एक बस का पहिया 8 मीटर के गड्ढे में फंस गया। हालांकि एक बड़ी घटना टल गई क्योंकि बस को पीछे से खींचने के लिए दूसरी बस का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद स्कूल बस को रवाना किया गया। अगली खबर वही है हरियाणा से। हरियाणा में छाया मानसून, अगले 4 दिन में होगी झमाझम बारिश, जाने मौसम का पूरा अपडेट। हरियाणा में 3 से 7 जुलाई तक गरज और चमक के साथ कहीं तेज व कहीं धीमी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल पूरे हरियाणा में पहले से 6% अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। 2 दिन से अभी बारिश नहीं हुई है और इसके साथ ही हवा में नमी बनी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज, साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।
नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, संसद में हिंदुओं को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर अच्छा खासा विवाद पैदा हो गया। इस सबके बीच दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग से इनपुट मिला है कि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कांग्रेस नेता पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राहुल गांधी व उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। आवास पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। साथ ही इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेताओं पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली में खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, चांदनी चौक में लगातार हो रही लूटपाट और चोरी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक नई पहल की है। रोजाना कई सौ करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले इस मार्केट की सुरक्षा के लिए एसोसिएशन ने अब एक नई जासूसी रखा है। पहले हुई वारदात की जांच करने पर पता चला कि बदमाशों ने या तो मार्केट से रेकी कर वारदात को अंजाम दिया या मार्केट से पीड़ितों का पीछा कर रास्ते में वारदात को अंजाम दिया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता सड़कों पर उतर गए हैं। दिल्ली में आज बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट में 1.66 लाख मामले लंबित हैं। सबसे अधिक लंबित मामले शाहदरा जिला कोर्ट में हैं और सबसे कम उत्तरी पूर्वी जिले में हैं। पूर्वी व उत्तर पूर्वी जिला कोर्ट को नया भवन मिलने से लंबित मामलों का बोझ कम होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी शास्त्री पार्क व न्यू उस्मानपुर एक ही भवन में चलते हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में मानसून एक्सप्रेस 28 जून को पहुंच गई थी। आगाज जोरदार हुआ था, इसके बाद बारिश पर ब्रेक लग गया है। अनुकूल परिस्थितियों बनने के बाद भी बारिश नहीं हो रही है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से एक सप्ताह तक तेज से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई है। इस कारण से यह तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रहने वाला है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पंजाब की पहली खबर की ओर, जो है अमृतसर से। भगवंत मान ने संभाली उपचुनाव की कमान। चार दिनों से कर्मचारी संगठकों किया क्यों मना रहे सीएम। आपके विधायक रहे शीतल अंगुराल के अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले आम आदमी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल है। उपचुनाव के लिए सीएम भगवंत मान ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि जालंधर वेस्ट से शीयद उम्मीदवार सुरजीत कौर का यू टर्न। आप ज्वाइन करने के बाद अब घर वापसी। पंजाब की राजनीति में गजब का ड्रामा देखने को मिला है। जालंधर वेस्ट से अकाली दल की उम्मीदवार सुरजीत कौर ने मंगलवार को पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी। सीएम भगवंत मान ने उन्हें आप में शामिल कराया था। 8 बजे रात को सुरजीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घर वापसी का ऐलान करते हुए वापस शियद में आने का फैसला लिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, जल्द ही सांसद पद की शपथ ले सकते हैं अमृतपाल। पंजाब सरकार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा आवेदन। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह जल्दी सांसद पद की शपथ ले सकता है। पंजाब सरकार ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आवेदन भेजा है। डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट की ओर से अमृतसर डीसी को विभागीय कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखा गया था। रुक करते हैं पंजाब की अगली बड़ी खबर की ओर, जो है चंडीगढ़ से। अकाली दल की वरिष्ठ नेत्री बीवी जागीर कौर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। भूमि अतिक्रमण मामले में दर्ज होगी एफआईआर। शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेत्री बीवी जागीर कौर को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। भूमि अतिक्रमण मामले में जागीर कौर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। अदालत को बताया गया कि नगर पंचायत की 172 करनाल की 15 मरला भूमि पर स्कूल वो कॉलेज बनाकर कब्जा किया गया है। इस मामले में याची ने जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। आगे की खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि भारत पाक सरहद पर घुसपैठ करता पड़ोसी। मुल्क का नागरिक ढेर पाक ने शव लेने से किया इनकार। भारत पाक सीमा के पास एक पाक नागरिक घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था, जिसे चेताया गया मगर वह आगे बढ़ता गया, जिसके बाद उस पर हमला कर दिया गया। आज सुबह तलाशी अभियान में मृतक के पास से कुछ सिगरेट, ईयरफोन समेत सिगरेट और थैली मिली,
जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। वहीं पाक ने भी शव लेने से इनकार कर दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज, साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं रीन कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, चित्रकोट जलप्रपात के 1 किलोमीटर पहले कच्चे मार्ग के रास्ते में पड़ने वाले मिनी गोवा के नाम से मशहूर बीच में नहाने के दौरान 3 दोस्त बह गए। उन्होंने जान बचाने के लिए नदी के बीच बड़े पत्थर को पकड़ लिया। वहीं युवकों को बहता देख कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वहां पहुंची SDRF की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पेंड्रा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में अपने रिश्तेदार के घर मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के मौसा को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी मौसा का मृतक के साथ पैसों को लेकर मामूली विवाद था, जिसके बाद आरोपी के द्वारा लोही की रोड से युवक पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के नवगठित स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नारायणपुर जिले में IID ब्लास्ट केस की जांच करेगी। नक्सली को तस्करी समेत संदिग्ध मामलों में जांच करने के लिए बनी SIA गठन के बाद से कोई भी केस नहीं था। अब ये पहली केस है जिसका SIA जांच करेगी। 14 जून को नक्सलियों के प्लांट किए गए IID ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए थे। इस मामले में अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से जल्द टीम गठित कर घटनास्थल पहुंचकर जांच करेगी। साथ ही हादसे में घायल और हादसे के दिन मौके पर मौजूद जवानों से पूछताछ की जाएगी। और अगली खबर आ रही है रायगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार की रात चक्रधर नगर चौक स्थित ओम ज्वेलर्स के यहां फिल्मी अंदाज में बाइक सवार 2 लोगों द्वारा सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही चक्रधर नगर पुलिस टीम के अलावा स्वयं पुलिस अधीक्षक मौके पहुंच चुके हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 2 जुलाई को पूरे देश को कवर कर लिया है। मानसून 6 दिन पहले ही पूरे भारत में सक्रिय हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय है, इसके वजह से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। आज बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश के आसार हैं। कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। लगातार बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, MP की विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर दिया है। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार बजट को लेकर उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिए, जबकि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर जमकर बिंदु उठाए। इस दौरान कई बार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को शांत कराने की कोशिश भी की। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो बजट पेश किया गया, उसमें BJP सभी वर्ग को बड़ा लाभ देने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का कहना है कि नरसिंह घोटाले पर लगे सवालों का जवाब न देना पड़े, इसी के चलते 3 जुलाई को सरकार ने बजट पेश किया है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता को इस बजट में केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। उमंग सिंघार का कहना है कि वो पहले ही इस बात को कह चुके थे कि 3 जुलाई को ही सरकार बजट पेश करेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के इस बार के बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। इस बार सरकार पिछले बजट की तुलना में विद्यार्थियों को अधिक सुविधा मुहैया करने के लिए बड़ा बजट पेश करने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास, बेहतर शिक्षा, छात्रवृत्ति, गणवेश और अधोसंरचना के लिए सरकार 720 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव पेश कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर के श्री युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की घटना में 2 और बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को बताया कि फूड पॉइजनिंग के लक्षणों के कारण उपचार करा रहे बच्चों की संख्या भी बढ़कर 38 हो गई है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चों का शहर के सरकारी चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनमें से 4 को ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें रोटरी इंटरनेशनल का सत्र 2024 से 25 1 जुलाई से शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट 3040 गवर्नर अनीश मलिक ने इस साल की शुरुआत रक्तदान एवं जागरूकता अभियान से की। रोटरी रक्तदान चेयर रो अनिल गुप्ता एवं पब्लिक इमेज चेयर रो घनश्याम सिंह ने बताया कि इंदौर के शिविर रॉबर्ट नर्सिंग होम रेजिडेंसी एरिया क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल मल्हार मेगा मॉल तथा चोइथराम हॉस्पिटल में हुए। इनमें 280 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। रोटरी के साथ ही पूरे जोश एवं उत्साह से रक्त सेवा में समर्पित हैं। रोटरी की युवा ब्रिगेड रोकट्रेम की टीम डीआरएन निकुंज गोयद्यामी के नेतृत्व में रक्त उत्सव में योगदान दे रही है। एमरल्ड हाइट्स स्कूल के पूर्व छात्र भी गिरीश लुल्ला के नेतृत्व में सेवा के इस महाकुंभ में सहयोग कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोडरी में एक दलित युवक की बेरहमी के साथ पिटाई किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दबंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बोडरी थाना सिंहपुर निवासी 28 वर्षीय रवि कोरी पिता भैया लाल कोरी के साथ गाँव के ही रहने वाले करुणेश पांडे के द्वारा मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ आरोपी द्वारा दलित युवक के साथ गाली गलौज करते हुए उसकी बेदम पिटाई करते दिखाई दे रहा है। थाना प्रभारी आरपी रावत ने बताया कि आरोपी पर अपराध दर्ज कर लिया गया है, पुरानी बात को लेकर मारपीट की गई है और आरोपी अभी फरार चल रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जिंदगी मौत से जंग लड़ रहे हैं इंग्लैंड के दिग्गज, 20 साल बाद दोबारा हुए कैंसर के शिकार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के महान सर जॉफ्री बॉयकॉट ने खुलासा किया है कि उन्हें दूसरी बार गले के कैंसर हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ने इसकी जानकारी दी और बताया कि 20 साल पहले वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दे चुके थे, लेकिन एक बार फिर से वह दोबारा कैंसर का शिकार हो गए हैं। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, चैंपियंस विश्व कप 24 नाम की स्पेशल फ्लाइट से स्वदेश लौटेगी भारतीय टीम। चक्रवाती तूफान के कारण फंसे थे खिलाड़ी, भारतीय टीम का स्वागत करने की तैयारी कर लीजिए। बारबाडोस में 3 दिन से फंसी भारतीय टीम बीसीसीआई अधिकारी व मीडिया सदस्यों को चार्टर्ड फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। चक्रवर्ती तूफान बैरल के कारण एयरपोर्ट बंद हो गया था, जो अब खुल गया है। याद हो कि भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात देकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। रुक करते हैं खेल की अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय टीम ने पहले 2 मैचों के लिए किए 3 बड़े बदलाव। T20 वर्ल्ड कप के कारण लिया गया ये बड़ा फैसला। भारतीय टीम सोमवार को जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हुई है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के रवाना होने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि पहले 2 मुकाबले के लिए 3 खिलाड़ियों साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों को संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ी इस समय वेस्ट इंडीज में फंसे हुए हैं। वेस्ट इंडीज में हरिकेन बैरल चक्रवात के कारण माहौल तनावग्रस्त है। स्पोर्ट्स बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, पंजाब के लिए गर्व का पल, 3 खिलाड़ियों को मिली देश की कमान। पंजाबियों का शुरू से ही स्पोर्ट्स में काफी रुचि रही है। पंजाब ने कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं, मिल्खा सिंह, कपिल देव, हरभजन सिंह और युवराज सिंह समेत कई बड़े खिलाड़ी दिए गए हैं। पंजाब इसको लेकर हमेशा गर्व महसूस करता है। इस बार भी पंजाब के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब पंजाब के 3 खिलाड़ी देश की कमान संभालेंगे, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल की कप्तानी करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां 9 साल के अध्यय अग्रवाल ने नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। दिल्ली के 9 साल के प्रतिभावान अध्यय अग्रवाल ने ओडिशा के कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित 12वीं मिनी और 6ठी चाइल्ड नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ओडिशा के पटेल ओम शंकर को सिल्वर, जबकि पंजाब के सिमरनजीत और तेलंगाना के दत्ता सिद्धार्थ को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए देश भर से करीब 550 युवा फैंस आए थे। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में।
अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के हालात, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल 5 साल में जितना काम किया है उतना काम करना होता तो कांग्रेस को 20 साल लग जाते। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए 10 साल निरंतर कोशिश किए गए हैं, बिना रुके बिना थके कोशिश की गई है, उसकी चर्चा देश में कम हुई है लेकिन परिणाम व्यापक रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक पर कहा कि हम चाहते थे कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। पीएम ने उत्तर बंगाल में एक महिला की सार्वजनिक पिटाई की घटना पर चुप्पी साधे रखने के लिए बुधवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि चयनित राजनीति चिंता का विषय है। पीएम ने कहा कि हाल में सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में देखा गया कि एक महिला को सार्वजनिक रूप से पीटा जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में हंगामे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हुआ, पूरी बीजेपी ने कई बार विरोध किया, मेरा भाषण हुआ बीजेपी चीखने चिल्लाने लगी, विपक्ष के नेताओं को बार बार रोका टोका गया लेकिन आज प्रधानमंत्री के भाषण पर नेता प्रतिपक्ष को एक मिनट भी बोलने नहीं दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें हाथरस भगदड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग में मची भगदड़ में करीब 124 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। सत्संग का आयोजन भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि के संगठन ने किया था। मरने वालों में 7 बच्चे और 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। दर्दनाक हादसे के बाद सत्संग स्थल शमशान घाट बन गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें राजकीय रेलवे पुलिस ने बुधवार को बताया कि शहर के बाहर इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और बुजुर्ग का शव खाली रैक लेकर जा रहे ट्रेन के इंजन लोको पर लटका मिला। ये घटना मंगलवार को बीबी नगर और घाटकेसर के बीच हुई और कुछ स्थानीय टीवी चैनलों ने एक कथित वीडियो दिखाया जिसमें व्यक्ति का शव चलती लोको पर लटका हुआ दिखाई दे रहा था। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें इसरो की तरफ से सूरज की स्टडी करने के लिए भेजे गए भारतीय स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने अपने तारे का एक चक्कर पूरा कर लिया है। इस यान को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ये 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर पहुंचा था। उसने अपने जटिल ऑर्बिट और ट्रेजेक्टरी को अब तक मेंटेन किया। अपने ही L1 पॉइंट पर एक चक्कर लगाने के लिए आदित्य L1 को 178 दिन लगे। इस यात्रा के दौरान यान को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। सौर तूफान के बीच इस 2 बार अपना ऑर्बिट बदलना पड़ा ताकि सुरक्षित रह सके। ये ऑर्बिट 22 फरवरी और 7 जून को बदला गया था। कल यानी 2 जुलाई 2024 को इसका 3री बार ऑर्बिट मैन्यूवर हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जयनिश मिश्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज़ में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में अब तक करीब 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरी घटना पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये दुखद है जिस तरीके से ये घटना घटी है। मैं उम्मीद करती हूं कि राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। आयोजकों के साथ ही जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की जान का कोई मोल ही नहीं रहा। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें लोकसभा चुनावों में जीत और फिर शिक्षक और स्नातक चुनावों में विधान परिषद चुनावों में 2 सीटें जीतने के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेल दिया है। महाराष्ट्र में 11 विधान परिषद सीटों के चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को 12वें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतार दिया है। मिलिंद नार्वेकर को उद्धव ठाकरे का मैन फ्राइडे माना जा रहा है। मिलिंद नार्वेकर की उम्मीदवारी से महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है।
नार्वेकर उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिनकी ठाकरे परिवार से कई दशक से नजदीकी है और पारिवारिक रिश्ते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुणे सोलापुर राजमार्ग पर एक कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि चालक के नियंत्रण खोने के बाद ये भीषण हादसा हुआ और सभी 5 मृतक तेलंगाना के रहने वाले थे। ये दर्दनाक हादसा भिगवान पुलिस क्षेत्र के डलज गांव के पास हुआ। सड़क हादसा इतना भीषण था कि कार का सामने का भाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें, मुंबई में महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर मंगलवार को 59 वर्षीय महिला ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की। उसका अपनी हाउसिंग सोसाइटी से विवाद हुआ है। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। ये घटना उस वक्त हुई है जब विधान भवन में सत्र चल रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान तारा साबले के रूप में हुई है और उसकी कलाई पर हल्की चोट आई है। उन्होंने बताया कि ये घटना शाम करीब 5:45 पर विधान भवन के सामने उषा मेहता चौक पर हुई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और साबले को अस्पताल पहुंचाया। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें, ठाणे में 38 वर्षीय व्यक्ति को महिला की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति ने शादी के बाद मृतक के साथ संबंध बनाकर रखा था। 38 वर्षीय आरोपी व्यक्ति और 32 वर्षीय महिला का लंबे वक्त से अफेयर चल रहा था। कुछ मुद्दों पर दोनों की हमेशा लड़ाई होती थी। शिलदाईघर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मंगलवार को दोनों मुंब्रा के में एक लॉज में रुके। वहां दोनों के बीच फिर एक बार लड़ाई हुई। इस झगड़े के दौरान व्यक्ति ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें, उत्तराखंड में मॉनसून की वर्षा ने जोर पकड़ लिया है और बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से गर्मी और उमस से तो राहत मिली है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग भी बार बार अवरुद्ध हो रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से आज भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। बुधवार को मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं हरिद्वार में 7 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। नैनीताल जिले में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें, हल्द्वानी में वाहन में खैर की लकड़ी लेकर जा रहे वन तस्कर ने रोकने पर वन दरोगा की गाड़ी को टक्कर मार दी। आरोपी ने उनसे मारपीट कर तमंचा तान दिया, साथ ही जबरन गेट खुलवाकर भाग गया। बरहैनी रेंज में सोमवार शाम हुई घटना की वन दरोगा ने अब तक लिखित शिकायत नहीं की है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बरहैनी रेंज का एक गुज्जर लंबे वक्त से वन तस्करी में लिप्त है। सोमवार देर रात वो अपनी स्कॉर्पियो में खैर लेकर जंगल से आ रहा था। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच अब मॉनसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में भारी बारिश की वजह से नदियां भी उफान भर रहे हैं। इस बीच कई ऐसे इलाके मामले सामने आए हैं जहां नदी में डूबने से लोगों की मौत हो रही है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में पुणे स्थित भूसी बांध के पास एक झरने के पानी में एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। अब ऐसी ही खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से भी सामने आई है। यहां दिल्ली से आया एक कपल गंगा नदी में बह गया। सूचना मिलते ही SDRF के गोताखोरों ने कपल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक दोनों का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में दिल्ली के एक कपल के गंगा में डूबने की बात सामने आई। कपल दोपहर करीब 1 बजे गंगा स्नान के लिए नीम बीच पर गए थे। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि वो नदी में काफी दूर तक जाने के बाद लहरों में गायब हो गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हो, आपको बता दें, बैजनाथ की महिलाएं लावारिस जानवरों की समस्या से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि मंगलवार को तहसील दिवस पर लावारिस जानवरों को लेकर पहुंच गई।
उन्होंने लावारिस जानवरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तहसील दिवस में मौजूद एडीएम ने नाराज महिलाओं को भरोसा दिया कि इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। उन्होंने नगर पंचायत के ईओ और पशु चिकित्सा अधिकारी से लावारिस छोड़े गए जानवरों की पहचान कर पशुपालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का धंधा खूब फूल फल रहा है। पुलिस की कार्यवाही के बावजूद लगातार इन कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। सेंटर संचालक किराए की दुकान लेकर अपना सेटअप लगाते हैं और बाहरी राज्यों से पढ़ने के लिए आए युवक युवतियों को नौकरी का प्रलोभन देकर उनसे ठगी करवा रहे हैं। सोमवार रात को राजपुर थाना पुलिस ने जिस कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, उसमें काम करने वाले सभी युवक युवतियां असम और मेघालय के हैं। इन्हें नौकरी का प्रलोभन देकर काम पर लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें विदेशी नागरिकों से ठगी के लिए तैयार किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।